हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजन्स ड्राइव। स्कोडा के अब स्टॉल की बात करें, जहां पे स्कोडा ने अपनी परफॉर्मेंस ऑक्टेविया उतारी है VRS के नाम से। वैसे तो ये पहले RS में अवेलेबल थी, कुछ टाइम पहले लॉन्च हो चुकी है, मगर आपको यहां पर ज़्यादा पावरफुल वेरिएंट इसका देखने को मिलने वाला है। मगर यहां पर हम बात करें हेडलैम्प वगैरह की, तो आपको जो है ये काफ़ी डायनामिकली दिखने वाले हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। पहले भी हमें अच्छे लगते थे, अभी भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जो है नीचे की तरफ फॉग लैंप भी लाइट दी है, काफ़ी शार्प दी गई है। और साइड में जो है ये व्हील्स हैं, ये अब इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है। अब इसका जो साइज़ आता है 18 इंच का आता है, वैसे तो नॉर्मल से बड़ा ही है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है इसका जो डिज़ाइन आया है। और अगर हम बात करें कि इसके ओवरऑल जो लुक है, यहाँ पर भी आपको जो डार्क शेड में आपको जो है आउटसाइड के रिव्यू मिरर में मिलेंगे, और कुछ भी साइड में यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर हम रियर साइड की बात करें, तो रियर साइड में आपको जो है ये स्पॉइलर मिलता है यहाँ पे, जो कि ब्लैक फिनिश में आया हुआ है। और ये पीछे में अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, तो दो एग्जॉस्ट जो हैं दिए गए हैं इसके नीचे, ताकि इसमें जो है स्पोर्टीनेस आपको मिल सके, जो कि काफ़ी एक करैक्टर के लिए अच्छा है, इसके जो स्पोर्टी करैक्टर के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी ये VRS की बैजिंग आपको मिलेगी, और ये जो है बड़े खूबसूरत जो कि फेसलिफ्ट वाले ऑक्टेविया में आपको मिले थे, वैसे ही आपको यहाँ पर भी टेल लैंप मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम इंटीरियर की बात करें, तो इंटीरियर में आपको जो है यहाँ पर पूरा वर्चुअल कॉकपिट टाइप मिलता है, पूरा डिजिटल मिलता है, क्योंकि ऑडी लाइनअप में अब सब जो है वर्चुअल कॉकपिट आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे डार्क थीम आपको मिल ली गई है, और यहाँ पर आपको वही DSG गियरबॉक्स, ऊपर आपको जो है इंफोटेनमेंट स्क्रीन काफ़ी अच्छी है। अब इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब आने लगा है। पीछे नीचे आपको वही सब चीज़ें आपको मिलती हैं, यहाँ पर आपके जो है ड्राइविंग मोड्स वगैरह सब आपको वहीं पे ही मिलेंगे। और यहाँ पर भी आपको पैडल शिफ्टर आपको मिलता है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है इसकी परफॉर्मेंस का लेकर और जो भी इसके अंदर फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जो रियर साइड है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी सीट और मिलने वाली है। यहाँ पर भी रेड एक्सेंट VRS लिखा हुआ है, आगे भी वही मिलता है, आगे भी आपको स्पोर्ट्स बकेट सीट मिलती है। आपको मैंने दिखाई नहीं, मैं दिखा देता हूँ, ये इसका मेमोरी सीट फंक्शंस, और ये री हेडरेस्ट कनेक्टेड है, क्योंकि ये स्पोर्टी कार है, तो यहाँ पर जो है आपको लग्जरी का ज़्यादा एहसास नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़ा सा रफ एहसास मिलेगा, जो कि स्पोर्टी करेक्टर का एक हिस्सा होता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मुझे थाई सपोर्ट वगैरह लग रहा है, जो कि काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसका इंटीरियर काफ़ी डार्क है, और थोड़ा सा स्पोर्टीनेस वाला आपको ये इंटीरियर लगने वाला है। यहाँ पर अगर हम इसके स्पेक्स की बात करें, तो 7-speed DSG बहुत अच्छा है, 245 हॉर्स पावर और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 0-100 6.6 सेकंड में पहुंच जाती है, और 250 किलोमीटर की इलेक्ट्रिकली एडजस्ट जो कि लिमिटेड करी गई है इसकी टॉप स्पीड। नीचे आपको सारे इसके फीचर मिल जाएंगे, जो कि क्वाड LED लाइट्स में आपको इसमें असिस्टेंट फीचर्स भी आ रहे हैं, 9 एयरबैग का ऑप्शन, सब चीज़ें आपको, 8 इंच की टच स्क्रीन, वही स्मार्ट लिंक जो ऐसे मैंने बताया था आपको, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब चीज़ के साथ मिलता है, 2-zone क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। अब ये गाड़ी का जो प्राइस आया है, वो आया है लगभग 36 लाख एक्स शोरूम का, और बुकिंग जो है 1 मार्च से ओपन हो जाएगी। अगर आप जो है एक सेडान लेने के शौकीन हो बजाय किसी SUV के, तो मुझे लगता है कि ये हॉट सेडान आपके लिए बन सकती है, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अपने वैसे तो कहीं सेगमेंट में तो ऐसा कोई परफॉर्मेंस पैकेज नहीं देता, लेकिन यहाँ पे स्कोडा ऑफ़र करती है, तो आपको भी अगर ये पसंद है तो आप ज़रूर इसे बुक करा सकते हो। प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, मगर अपडेटेड वेरिएंट मिल रहा है, तो उस लिहाज से प्राइस भी आपको अदा करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजन्स ड्राइव। ये थी हमारी वीडियो ऑक्टेविया RS पे, और दूसरी अब स्कोडा की तरफ बात करते हैं, जो कि और भी यहाँ पर अनवील करी गई है।